भारी मन से चले गए हम, तजकर पुरखों का घरबार, पीछे मिट्टी धसक रही है, गिरती पत्थर की बौछार। थोड़ा मुड़कर देखो भाई, कैसे बंद हो रहे द्वार, उनके भीतर छूट गया है एक एक कोठार। ऐसी ही अनेकों कविताएं और रचनाएं लिखने वाले मशहूर कवि और साहित्यकार मंगलेश डबराल आज हमारे बीच नहीं रहे। वे सिर्फ एक कवि या साहित्यकार ही नहीं थे, वे पहाड़ के जीवन का अक्ष थे। उनके शब्दों में पहाड़ के प्रति गहरा मर्म था। उनका काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन पहाड़ के जीवन की दशा पर ही केंद्रित रहा। मंगलेश के निधन के बाद समूचा साहित्य जगत इस क्षति को एक युग की समाप्ति के रूप में महसूस कर रहा है। साहित्यकारों का कहना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए मंगलेश डबराल की इस क्षति की भरपाई करना आसान नहीं है। बता दें, 72 साल के मंगलेश डबराल कोरोना संक्रमित थे। जानकारी के मुताबिक एम्स में भर्ती मंगलेश को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके निधन की जानकारी उनके कवि मित्र असद जैदी ने फेसबुक पर साझा की। बताया जा रहा है कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मंगलेश डबराल नवंबर के आखिरी हफ्ते से ही बीमार चल रहे थे। पहले उनका इलाज गाजियाबाद के एक अस्पताल में कराया जा रहा था, बाद में हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है। मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी मंगलेश का जन्म टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। डबराल जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। चाहे उत्तराखंड आंदोलन का दौर रहा हो या अन्य कोई आंदोलन, वे हमेशा से मुखर होकर आलोचना करने के लिए जाने गए। मंगलेश के खजाने में तीखी राजनीतिक और गुड़ जैसी मीठी मानवीय संवेदनाओं की भरपूर कविताएं हैं। मंगलेश डबराल ने अंतिम समय तक अपना लेखन जारी रखा। पहाड़ के विस्थापन के अलावा उन्होंने शहरी जीवन पर भी काफी लिखा। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नए युग में शत्रु, एक बार आयोवा आदि शामिल हैं। डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा शमशेर सम्मान, स्मृति सम्मान, पहल सम्मान और हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान से भी सम्मानित किया गया। बेशक वक्त ने आज के दौर के एक बड़े और संवेदनशील कवि मंगलेश डबराल को हमसे छीन लिया हो, लेकिन उनका विशाल रचना संसार, समाज के प्रति उनकी चिंताएं और विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि उनका रचना संसार बहुत विशाल और व्यापक है। मंगलेश डबराल के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि मंगलेश का जाना हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी क्षति है।